हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7, ये आपकी क्लास 7 की वर्कशीट है। हर बार आपकी इस वर्कशीट में क्लास गलत लिखी जाती है, आपकी क्लास 7 की वर्कशीट है और डेट इस वर्कशीट की 17 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख देंगे। सब्जेक्ट है इस वर्कशीट का हिंदी, पार्ट 17 आज हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है वीर कुंवर सिंह और वर्कशीट नंबर आपकी 24 बच्चों। तो इस वर्कशीट में हम कह रहे हिंदी की वर्कशीट है ये आपकी, और जो आपकी मैथ की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पे क्लिक करके अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं। और जो आपकी 6 to 8 की जो कॉमन वर्कशीट है, जो आपकी सैटरडे की वर्कशीट है, वो भी मैं जल्दी से जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगी। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो पर क्लिक करके मतलब इस डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी और डायरेक्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके भी वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। तो कुंवर सिंह क्या थे, उनको युद्ध करना की सारी कलाएं उनको मालूम थी, वो कुशल थे। छापामार युद्ध प्रणाली में उन्हें महारत हासिल थी, और जो युद्ध की एक प्रणाली होती है छापामार, उसमें उनको बहुत ही महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। मतलब जो वो योजनाएं बनाते थे युद्ध के लिए, उसको क्या था, अंग्रेजी सेना नहीं समझ पाती थी। दुश्मन को उनके सामने या तो भागना पड़ता था या फिर कट मारना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। तो इसका मतलब ये कि 1857 में जिस तलवार से इन्होंने अंग्रेजों का हराया, उस वो तलवार आज भी हमारे उनके वो वीरता आज भी हमारे इतिहास के पन्नों पर लिखी हुई है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं, मतलब बहादुर थे तो इसके बहुत सारे किस्से हमें अपने इतिहास से मिल जाते हैं। तो देखते हैं किस्से। हम कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। क्या करना था, एक बार उनको गंगा पार करनी थी सेना के साथ। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे, लेकिन क्या थे, वो बहुत चालाक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि वो गंगा पार तो करेंगे, लेकिन कहाँ से करेंगे, बलिया के पास से हाथियों पर चढ़कर वो पार करेंगे। फिर क्या था, अंग्रेज का जो सेनापति है डगलस, बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंच गया, क्योंकि उनको अफवाह मिली थी कि बलिया से पार करेंगे। इसलिए क्या था, अंग्रेजी सेना बलिया के पास पहुंच गई और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगे। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दिया। लेकिन कुंवर सिंह ने क्या किया, जो 7 मील दूर पे शिवराजपुर नामक स्थान था, वहां से अपनी सेना को पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वो भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। लेकिन जब तक वो पहुंचा, जो सेना थी कुंवर सिंह की, वो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसाने आरंभ की, पर तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदते हुए एक गोली निकल गई। तो जो गोली उन्होंने मारी अंग्रेज सेनापति ने, उस वो गोली उनके एक हाथ पे, बाएं हाथ पे लग गई और कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है, तो गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। तो उन्हें लगा कि जैसे अगर हाथ पे गोली लग जाती तो पूरे शरीर में उसका जहर फैलना स्टार्ट हो जाता, तो उन्होंने सोचा कि पूरे शरीर में जहर ना फैल जाए, इसलिए उन्होंने अपने बाएं हाथ को ही काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे कि अकिंचन भेंट स्वीकार करो। तो वो उन्होंने उसको भेंट स्वरूप उनको दे दी गंगा मैया को। तो वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुंवर सिंह के कुछ सामाजिक कार्य पढ़ेंगे। क्या थे, उनकी चालाकी के बारे में पढ़ा था हमने, तो हम क्या पढ़ेंगे, उनकी समाज सेवक, मतलब किस प्रकार उन्होंने सामाजिक कार्य किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, उन्होंने क्या की, जमीन दान दी जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते रहते थे। उन्होंने अपने इलाकों में अनेक सुविधाएं प्रदान की,
उनमें से एक था आरा जगदीशपुर सड़क और आर्या बलिया सड़क का निर्माण। तो ये जो सड़क है आरा और जगदीशपुर जो जोड़ती है और आरा बलिया को जोड़ती है, उस सड़क का निर्माण कुंवर सिंह ने ही करवाया था। उस समय जल की आपूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे, तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनाए। तो ये सभी क्या है, कुंवर सिंह के सामाजिक कार्य है जो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए किए थे। बच्चों, कुंवर सिंह उदार एवं अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति थे। अब हम क्या पढ़े, उनकी उदारता और संवेदनशीलता। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। मतलब क्या था, वो हिंदू और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। जो कुंवर सिंह थे वो बिहार से थे और बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी जो लोकगीत में उनकी प्रशस्ति, मतलब उनके बारे में लोकगीतों में बताया जाता है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए कहा है। जो हमारे मनोरंजन कवि मनोरंजन थे प्रसाद सिंह, उन्होंने कुछ लाइन लिखी उनके लिए, तो ये लाइन आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सभी क्या है, वीर कुंवर सिंह के बारे में लिखी गई है। अब हम करते कुछ इस वक्ष के क्वेश्चन आंसर। कुंवर सिंह जी किस कला में कुशल थे, उन्हें कौन सी महारत हासिल थी और कुछ और प्रचलित युद्ध प्रणाली के नाम भी लिखिए। तो देखते इसका आंसर। कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे, युद्ध कला में कुशल थे। उन्हें छापामार प्रणाली में महारत हासिल थी और कुछ और प्रचलित युद्ध प्रणाली है घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणकौशल आदि। तीनों क्वेश्चन हमने इसमें बता दिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह ने अपनी चतुराई कैसे दिखाई। तो कैसे दिखाई थी उन्होंने, कि कुंवर सिंह ने अपनी सेना को अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर गंगा पार करा दिया था, जिससे पता चलता है कि वे चतुर थे। उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक दी थी। उन्होंने कहा कि वो बलिया से ना गंगा पार करेंगे, लेकिन वो 7 मील दूर जो एरिया था उससे वो गंगा पार कर गए थे, इसलिए उन्होंने वो बहुत ही चतुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह को कौन कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगी और जिन्होंने आपको प्रभावित किया। तो हमें वीर कुंवर सिंह की कुछ विशेषता लिखनी है इसमें। तो इसका आंसर क्या क्या विशेषता थी उनके अंदर, वीर कुंवर सिंह की वीरता, स्वाभिमानी स्वभाव, उदार स्वभाव, दृढ़ निश्चयता, समाज सेवक स्वभाव और साहसी जैसी विशेषताएं हमें अच्छी लगी। तो ये सभी जो विशेषताएं थी वो हमें विशेषताएं हमें अच्छी लगी, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं, वीर भी थे वो, अंग्रेज से लड़े थे, स्वाभिमानी थे कि उन्होंने अपना हाथ काट अगर गोली लगी थी तो गंगा मैया को समर्पित कर दिया था, उदार थे क्योंकि वो हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करते थे, दृढ़ निश्चयता उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने का जो दृढ़ निश्चय था वो दृढ़ निश्चयता दिखाती है। समाज सेवक क्या है, उन्होंने सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाए, ये क्या उनका समाज सेविक स्वभाव दिखाता है। साहसी थे क्योंकि वो बूढ़े होने के बाद भी अंग्रेजों से लड़े थे। तो ये सभी क्या उनकी विशेषता है बच्चों। इस पाठ में किन किन बातों की वजह से पता चलता है कि वीर सिंह साहसी उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे, तो अभी मैंने बताया था आपको। तो साहसी हम देखते, पहले हमें कैसे पता चलता है, तो स्वाभिमानी हमें पता चलता है जब वे शिवराज से गंगा पार करते हुए जा रहे थे तो डगलस की गोली का निशाना बन गए, उनके हाथों पर गोली लगी, उसमें वे ना तो वहां से भागे और ना ही उपचार की चिंता की, बल्कि हाथ को काट कर गंगा में बहा दिया। तो ये सब क्या पता चलता, उनका स्वाभिमानी स्वभाव पता चलता है, मतलब उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने नहीं टेके बल्कि उसका कुछ अलग से तरीका अपना कर वो आगे बढ़ गए। उदार स्वभाव कैसे पता चलता है, वे अत्यधिक उदार स्वभाव के थे। उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफायत हुसैन मुसलमान होते हुए उच्च पदों पर आसीन थे। वे हिंदू मुसलमान दोनों के त्यौहार सबके साथ मिलकर मनाते थे, इनका उदार स्वभाव है। लास्ट हमारा साहसी, वो साहसी भी थे। कुंवर सिंह का साहस अतुलनीय है, अंग्रेजों से परास्त होने पर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा बल्कि भावी संग्राम की योजनाएं बनाते रहे। तो ये क्या दिखाता, उनका साहसी स्वभाव दिखाता है बच्चों। तो आप तीनों पॉइंट इसमें लिख लेंगे। नेक्स्ट, अलग अलग भाषा और बोलियों में 1857 की क्रांतिकारियों से संबंधित गीत गाए जाते हैं। ऐसे किसी गीत को लिखिए जो 1857 की क्रांति ऐसे क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, 1857 को कोई भी गीत जो हम जैसे कि स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पे गाते हैं, वो आपको गीत एक लिखना है। तो आप ये वाला गीत भी लिख सकते हैं,
ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो पूरा बच्चों आप यहाँ से यहाँ तक इसको अपनी कॉपी में उतार लेंगे बच्चों, ठीक है। आप आपने सुना भी होगा ना ये, ठीक है। 1857 की क्रांति में देशवासियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार करने के लिए ये गीत गाया जाता था बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों बहुत बड़ी थी, लेकिन हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दी है। तो आप क्या करना, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना और फिर ये क्वेश्चन के आंसर पहले खुद करना, और फिर आप जो मैंने आंसर दिए उनको आप देखना। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट होगी। आप क्या करना है, अब आपको इस वीडियो के नीचे आपको रिशेप्ट मेरे क्लास के साथ आप सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक के बाद आपको फिर से क्लिक करेंगे तो आपके तीन ऑप्शन मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज एंड नन। तो आप ऑल पे क्लिक करें तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे एक लाइक कर दें, शेयर करें मेरी इस वीडियो को, शेयर करना ना भूलें ताकि जो बाकी बच्चे हैं आपकी क्लास के वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाएं। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।